भारतीय सेना की 5 डोगरा यूनिट के शहीद सिपाही अरुणजीत कुमार का पहला श्रद्धांजलि समारोह सीमावर्ती गांव फरवाल में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें हलका विधायक जोगिंदर पाल बतौर मुख्य मेहमान के रूप में शामिल रहे। इनके अलावा शहीद की माता नीलम देवी, पिता दर्शन लाल, भाई अमरजीत, बहन मोनिका व वीरता, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मोहिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री भी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित करके समारोह का आगाज किया। इस श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए विधायक जोगिंदर पाल ने कहा कि मौत एक अटल सच्चाई है। जो इंसान पैदा होता है, एक दिन उसे मृत्यु अवश्य आएगी, मगर देश सेवा, परोपकार व राष्ट्र हित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक साल पहले इस सीमावर्ती गांव के जाबाज सैनिक अरुणजीत ने राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपना नाम शहीदों की श्रृंखला में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। ऐसे शूरवीरों की शहादत देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा करती है। वहीं कुंवर रविंदर विक्की ने कहा कि देश की आज़ादी का प्रतीक तिरंगा रूपी कफन किस्मत वालों को नसीब होता है तथा वो सैनिक धन्य है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर इस तिरंगे की शान को बरकरार रखते हुए अपना बलिदान दे जाता है। वहीं इस अवसर पर शहीद की माँ उस तिरंगे को छाती से लगाए बैठी रही, जिस तिरंगे में लिपटी हुई शहीद बेटे की पार्थिव देह एक साल पहले उनके घर पहुंची थी। उन्होंने नम आंखों से बताया कि इस तिरंगे से उन्हें आज भी शहीद बेटे के स्पर्श की अनुभूति होती है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिवारों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित भी किया गया। शहीद अरुणजीत जी पिंड फरवाल दे रहने वाले सी। पिछले साल उन्होंने जिहड़ी शहीद होने की खबर आई और अपने देश वास्ते शहीद हो गए, अज उन्हां दा शहीदी दिवस जिहड़ा मनाया जा रहा है, मेरे वालों ते मेरे परिवार वालों और शहीदां दे परिवार भी आए ने, उन्हां नूं कोटी कोटी नमन है। और मैं अरुणजीत जी नूं सलूट करदा। जिहड़ा जिहड़ा बंदा अपने देश वास्ते कुछ कर दिंदा, उन्हां नूं लोकी हमेशा याद करदे है। और जिहड़ा शहीद होना कहना ते सौखा है, लेकिन जिन्हां दा बच्चा शहीद हुंदा उन्हां लोकां नूं पता करके देखो कि शहीद होना किन्ना औखा है। पर एक गल मैं कहना नहीं भुलांगा, जिहड़े बंदे दे शरीर उत्ते तिरंगा झंडा पैंदा, वह पता नहीं किन्नी उच कर्म उहदे मां प्यो ने कीते जां उस बच्चे ने कीते जिहड़ा उस तिरंगे झंडे दे विच उहदा शरीर लिपट के आया। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से भारतीय सेना की 5 डोगरा रेजिमेंट के शहीद सिपाही अरुणजीत कुमार जी का पहला श्रद्धांजलि समारोह उनके सीमावर्ती गांव फरवाल में जो है आयोजित किया गया। शहीद सिपाही अरुणजीत भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी को तनदही से निभाते हुए ग्लेशियर सेक्टर में अपना बलिदान देकर अपना नाम जो है शहीदों की श्रेणी में सुनहरी अक्षरों में दर्ज करवा गए। कहते हैं कि कोई धर्म के नाम पर लड़ता है, कोई जात के नाम पर लड़ता है, कोई मजहब के नाम पर लड़ता है, लेकिन एक सैनिक 137 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए लड़ता हुआ अपना सैन्य धर्म निभा जाता है। इसलिए सारे देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि अरुण जैसे वीर शहीदों की अमूल्य शहादत को अपने दिलों में संजो के रखें। जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, देश का सरकारों का ये फर्ज बनता है कि उनके परिजनों को उचित सम्मान देकर उनकी लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखें। क्योंकि जो देश, जो समाज, जो सरकारें अपने शहीदों को याद नहीं करते, उनका अस्तित्व जो है जल्दी खत्म हो जाता है। क्योंकि एक शहीद कभी नहीं मरता, हमेशा अमर रहता है। लेकिन सही मायने में एक शहीद की मौत कब होती है? जब देशवासी उसकी शहादत को भुला देते हैं। एक बार फिर मैं इस मिट्टी को छत छत नमन करता हूँ, जहाँ पे आज इस शहीद की याद को ताजा करते हुए उनके श्रद्धांजलि समारोह को मनाया गया है। उनके माता पिता को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा इस देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर एक शहीद परिवार होने का गौरव जो हासिल किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।